यूनिट में फोर चैप्टर हैं, ठीक, फोर चैप्टर है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ। तो मैं आपको ये फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म वाला चैप्टर रिप्रोडक्शन यूनिट का मैं पढ़ा रही हूँ। बात समझ में आई? फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पहली हमारी यूनिट है और उस पहली यूनिट में चार चैप्टर है और ये चारों चैप्टर आपके 14 मार्क्स के पूछे जाते हैं एग्जाम में, 14 मार्क्स के एग्जाम में है, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है ये आपका 3 मार्क्स का। इसमें से जो मैंने ये लिखा है ना रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इसमें से 3 मार्क्स का एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरी बात, जो फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इसमें कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाता। इनफैक्ट अ सिंगल लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। प्राची गुड मॉर्निंग बेटा, ठीक है, सिंगल लॉन्ग क्वेश्चन भी इस एग्जाम में नहीं पूछा जाता। ये आपका शॉर्ट और वेरी शॉर्ट, वहां से आपको इसमें क्वेश्चन मिल जाएंगे किसमें, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में। ओके डन, इतनी बात मींस क्या मिलेगा आपको, 1 मार्क्स क्वेश्चन मिलेगा या 2 मार्क्स क्वेश्चन मिलेगा, इससे ज्यादा का क्वेश्चन बेटा इस चैप्टर से बनता ही नहीं है। मैक्सिमम मैं बता रही हूँ 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से मिल सकता है, इसके अलावा 4 या 5 मार्क्स का ये चैप्टर नहीं है, काफी छोटा सा चैप्टर है। चलो तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ये हमारी जो स्टार्टिंग ही है बायोलॉजी की 12th क्लास की, इसमें फर्स्ट जो आप कह सकते हैं कि इसमें सबसे पहली हेडिंग क्या, फर्स्ट हेडिंग क्या है, तो फर्स्ट हेडिंग है बेटा इसमें लाइफ स्पैन। यहां से स्टार्ट होती हमारी बायोलॉजी, लाइफ स्पैन, ठीक है। लाइफ स्पैन क्या होता है, लाइफ स्पैन क्या है, बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे, कुछ नहीं जानते तो जरा समझिएगा। लाइफ स्पैन क्या है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की जब बर्थ होती है, बर्थ से लेके टिल डेथ मींस जन्म से लेके मृत्यु तक का जो टाइम पीरियड है उसी को हम क्या कहते हैं, लाइफ स्पैन कहते हैं, ठीक है। आप समझ गए होंगे कि लाइफ स्पैन क्या है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बर्थ से लेके और डेथ तक के बीच का जो टाइम पीरियड है उसे हम क्या कहते हैं, लाइफ स्पैन कहते हैं। बात समझ में आई, लाइफ स्पैन क्या है आपका, टाइम पीरियड बिटवीन, टाइम पीरियड बिटवीन बर्थ टू डेथ, ठीक। ये वर्ड आपको बिल्कुल याद रखना है जिसको मैंने डिब्बे में बंद कर दिया है। बात समझ में आई, बर्थ से लेके डेथ तक के बीच का जो टाइम पीरियड उसे हम क्या बोलते हैं, लाइफ स्पैन बोलते हैं। अब ये जो हमारी लाइफ स्पैन है बर्थ से लेके और डेथ तक के टाइम पीरियड में जो लाइफ स्पैन है, ये सभी ऑर्गेनिज्म की अलग अलग होती है। सभी ऑर्गेनिज्म से मतलब क्या है, सभी ऑर्गेनिज्म का मीनिंग है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल्स हो, सभी की लाइफ स्पैन कैसी होती है बेटा, अलग अलग होती है। जैसे कि अगर हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं तो ह्यूमन कितने साल तक जीता है, ज्यादा से ज्यादा एक एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमन की बात करते हैं तो 80 to 100 ईयर्स, ठीक है। किसी किसी बुक में आपको 60 to 80 भी लिखा हो सकता है, लेकिन वास्तव में है क्या, 80 to 100 ईयर्स इज अ लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन ज्यादा से ज्यादा 100 साल तक जिएगा, उसके बाद उसे मरना ही है, ठीक। तो जन्म से लेके मृत्यु तक के बीच का मीन्स बर्थ से लेके डेथ तक के बीच का जो टाइम पीरियड है उसी को हम क्या कहते हैं, लाइफ स्पैन बोलते हैं। ओके अब देखिए इसमें जो लाइफ स्पैन है अलग अलग ऑर्गेनिज्म का आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। 1 मार्क्स में क्वेश्चन आया है कई बार कि लाइफ स्पैन ऑफ पैरट, स्पेशली सीबीएसई वालों को पैरट बहुत पसंद है, ठीक है, तोता बहुत पसंद है और वो पूछते भी हैं कि लाइफ स्पैन ऑफ पैरट क्या होता है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता दे रही हूँ, नहीं तो ऐसे पूरे वर्ल्ड में तो आप कितने सारों का लाइफ स्पैन याद कर सकते हैं। तो लाइफ स्पैन ऑफ पैरट, अगर हम पैरट की लाइफ स्पैन की बात करें तो पैरेट की लाइफ स्पैन होती है आपकी 140 इयर्स, 140 साल तक जिंदा रह सकता है एक तोता, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद भी रखना है कि पैरेट का लाइफ स्पैन कितना होता है, तो पैरेट का लाइफ स्पैन होता है 140 इयर्स। अब इसके अलावा और क्या है, जैसे कि हम बात करते हैं बटरफ्लाई, बटरफ्लाई वही आपकी तितली, तो बटरफ्लाई का लाइफ स्पैन कितना होता है, 15 to 30 days, 15 से लेके 30 दिन तक क्या होता है, बटरफ्लाई का लाइफ स्पैन होता है, ठीक। इसके अलावा जो पूछा जाता है उसमें है एक आपका प्लांट, जो कि सबसे पुराना प्लांट
या फिर हम कहें सबसे पुराना लिविंग ऑर्गेनिज्म माना जाता है हमारी अर्थ पर। तो हमारी अर्थ पर सबसे, हाँ जी बेटा, नॉर्मल पैरट, जो नॉर्मल पैरट है ना प्राची, वो 140 ईयर्स तक सर्वाइव कर लेता है। तो सबसे ओल्डेस्ट अगर हम प्लांट की बात कर रहे हैं, तो सबसे ओल्डेस्ट जो प्लांट है वो है लोरिया ट्राइडेंटेटा। ये नाम आपको बिल्कुल याद रखना है कि कौन सा है, लोरिया ट्राइडेंटेटा, लोरिया ट्राइडेंटेटा। ये क्या है, एक प्लांट है, इधर मैं लिख देती हूं। ये दोनों तो एनिमल हैं और ये क्या है, प्लांट है। इसकी जो लाइफ स्पैन है अभी तक, पता नहीं वो कितने टाइम और जिंदा रहेगा। सबसे ओल्डेस्ट प्लांट है ये 11,300 ईयर्स इतना पुराना हो चुका है, ठीक है, 11,300 ईयर्स पुराना हो चुका है। कौन, लोरिया ट्राइडेंटेटा। तो मोस्ट ऑफ यही पूछते हैं कि पैरट का लाइफ स्पैन क्या है, बटरफ्लाई का लाइफ स्पैन क्या है, या फिर सबसे ओल्डेस्ट लिविंग बींग की अभी तक एज कितनी हो चुकी है। तो सबसे ओल्डेस्ट लिविंग बींग आपको पता होना चाहिए, सबसे ओल्डेस्ट लिविंग बींग है वो है आपका कौन सा, लोरिया ट्राइडेंटेटा, जिसका कि लाइफ स्पैन कितना हो चुका है, अभी तक कितना सर्वाइव कर चुका है, वो कर चुका है बेटा 11,300 ईयर्स, ओके। और ये क्या है, आपका एक प्लांट है। भाई नेचुरल सी बात है, एनिमल तो इतना आपका सर्वाइव नहीं करेगा, प्लांट ही है जो आपका इतना सर्वाइव कर गया, ठीक। तो ये लाइफ स्पैन है। अब जो लाइफ स्पैन है वो फ्यू, कुछ आपके जो बैक्टीरियाज वगैरह है, कुछ बैक्टीरिया है, अमीबा है, फंगस है, इनकी जो लाइफ स्पैन है वो कुछ मिनट्स तक भी होती है। मींस एक बैक्टीरिया ज्यादा से ज्यादा आपका 45 मिनट्स तक सर्वाइव किया, ठीक। तो लाइफ स्पैन ये रही आपकी कि एक लोरिया ट्राइडेंटेटा भी 11,300 ईयर्स तक सर्वाइव कर गया, जबकि जो आपका क्या है, कुछ बैक्टीरियाज हैं, वो बैक्टीरिया केवल 45 मिनट्स तक भी सर्वाइव कर सकते हैं, ओके। तो लाइफ स्पैन के बारे में आप समझ में आ गया होगा कि बर्थ से लेके डेथ तक के टाइम पीरियड को हम लाइफ स्पैन कहते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पैन मैंने लिखी है तीन की, जैसे पैरट की लाइफ स्पैन 140 ईयर्स है, बटरफ्लाई की 50-30 डेज है, लोरिया ट्राइडेंटेटा जिसे हम ओल्डेस्ट लिविंग बींग मानते हैं, इसका 11,300 ईयर्स है, ओके। अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं आपके, तो नेक्स्ट टॉपिक है जो लाइफ स्पैन है, मींस बर्थ से लेके और डेथ तक का टाइम पीरियड है, इसे कितने स्टेप्स में हमने बांटा हुआ है। जब बर्थ होती है, ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस लाइफ स्पैन को। लाइफ स्पैन को हमने बेसिकली फोर पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। अब ये फोर पार्ट्स कौन कौन से हैं, पहला है बर्थ, समझ रहे हैं, फर्स्ट है क्या लिखा, ओके, फर्स्ट है आपका बर्थ, और बर्थ जहां पर भी है इसको बोलते हैं जुवेनैलिटी, जुवेनैलिटी, जब बर्थ है, बर्थ का जो टाइम पीरियड है उसे हम जुवेनैलिटी। दूसरा है आपका, अभी समझाऊंगी इसे, और मैच्योरिटी। नेक्स्ट है थर्ड एजिंग, एजिंग, एंड नेक्स्ट वन है फोर्थ इज डेथ। तो देखिए, बर्थ से लेकर और डेथ तक का जो टाइम पीरियड है इसे आपको चार अलग अलग स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट इज जुवेनैलिटी, सेकेंड इज मैच्योरिटी, थर्ड इज एजिंग, एंड लास्ट वन इज डेथ। अब आखिर इनमें होता क्या है, जो ये डिफरेंट स्टेप्स हैं जो बर्थ से लेकर डेथ तक चलते जाते हैं, इनका टाइम पीरियड कितना होता है, और ये कैसे हम शो कर सकते हैं कि कोई पर्सन मैच्योरिटी की एज में है, कोई पर्सन जुवेनैलिटी की एज में है, या किसी पर्सन की एजिंग चल रही है। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जुवेनैलिटी की, तो जुवेनैलिटी क्या होता है, मैं यहां पर लिख रही हूं, जुवेनैलिटी इज अ टाइम पीरियड बिटवीन बर्थ टू सेक्सुअल मैच्योरिटी। बर्थ से लेके और सेक्सुअल मैच्योरिटी तक के बीच का जो टाइम पीरियड है उसे हम क्या बोलते हैं, जुवेनैलिटी, ओके, ठीक। क्या है, बर्थ टू सेक्सुअल मैच्योरिटी, सेक्सुअल मैच्योरिटी, बर्थ से लेके और सेक्सुअल मैच्योरिटी तक का टाइम पीरियड क्या कहलाता है बेटा,
जुवेनैलिटी, इट्स डन। ठीक, अब सेक्सुअल मैच्योरिटी का मीनिंग क्या है? सेक्सुअल मैच्योरिटी का मीनिंग है द ऑर्गेनिज्म विच हैव अ कैपेसिटी टू प्रोड्यूस गैमीट्स। किसी भी ऑर्गेनिज्म में गैमीट्स प्रोड्यूस करने की जब कैपेसिटी आ जाती है, जब कैपेसिटी स्टार्ट हो जाती है कि वो गैमीट्स बना सकता है, जैसे ह्यूमन स्पर्म और ओवा, तो उस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं जुवेनैलिटी। बेबी बर्थ हुआ और बर्थ से लेके और उसमें कैपेसिटी आ गई प्रोड्यूस करने की गैमीट्स, तो वो टाइम पीरियड कहलाता है जुवेनैलिटी। अगर मैं ह्यूमन की बात करूं तो ह्यूमन में बर्थ से लेके मींस एज कितना होगा? जीरो। ठीक है, जीरो से लेके, और अगर बात करते हैं फीमेल की, तो फीमेल में जो प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है एट द टाइम ऑफ 13 to 14 ईयर्स ऑफ एज, तो ये जीरो मींस जीरो एज से लेकर, जन्म से लेकर और जो 13 to 14 ईयर ऑफ एज है, ये टाइम पीरियड ही कहलाएगा जुवेनैलिटी। आई थिंक आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा कि जुवेनैलिटी क्या होता है। तो जुवेनैलिटी बर्थ से लेकर और सेक्सुअली मैच्योर होने तक का जो टाइम पीरियड है उसे हम बोलते हैं जुवेनैलिटी। ओके, अब नेक्स्ट आता है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी क्या है? एक ऐसा टाइम पीरियड जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने जैसे ही ऑर्गेनिज्म बनाने की कैपेसिटी शो करता है। मींस इसमें जो रिप्रोडक्शन की पावर है, रिप्रोडक्शन की पावर इसमें वो गेन कर सकता है कौन? कोई भी ऑर्गेनिज्म। तो मैच्योरिटी में क्या होगा? इट हैव कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस। मैच्योरिटी में क्या है? उसके पास बिल्कुल कैपेसिटी आ जाती है कि वो क्या कर सकता है? रिप्रोडक्शन कर सकता है, अपने जैसा ही दूसरा जो ऑर्गेनिज्म है वो बना सकता है। अब आता है एजिंग। एजिंग और एक वर्ड और यूज होता है इसके साथ, सेनेसेंस। सेनेसेंस एजिंग वर्ड है, ये एनिमल्स के लिए यूज होता है। सेनेसेंस वर्ड है, ये किसके लिए यूज होता है? प्लांट्स के लिए यूज होता है। एजिंग का मीनिंग क्या होता है? जितनी भी लाइफ प्रोसेसेस हैं उनका स्लो डाउन हो जाना। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना बुढ़ापा, हिंदी में बुढ़ापा बोलते हैं ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? सेनेसेंस। ठीक है, या एजिंग। एजिंग का मतलब है जितनी भी लाइफ प्रोसेसेस है उनका क्या हो जाना? स्लो डाउन हो जाना। मींस यहां पर अगर मैं एजिंग को लिखूं तो लिख सकते हैं स्लो डाउन ऑल लाइफ प्रोसेसेस। स्लो डाउन ऑल लाइफ प्रोसेसेस, सभी लाइफ प्रोसेसेस का क्या हो जाना? स्लो डाउन हो जाना क्या कहलाता है? एजिंग। एंड एजिंग वर्ड स्पेशली यूज होता है फॉर एनिमल्स। एनिमल्स के लिए एजिंग वर्ड यूज होता है, वाइल जो सेनेसेंस वर्ड है, सेनेसेंस वर्ड है, ये यूज होता है किसके लिए? प्लांट्स के लिए। ठीक, अब देखिए एजिंग में स्लो डाउन ऑल लाइफ प्रोसेसेस का मतलब क्या है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर बुढ़ापे में जाता है तो आपने कई बार देखा होगा कि उसकी जो इम्यूनिटी है बहुत वीक हो जाती है। जैसे अभी आप जस्ट में कोरोना चल रहा है तो यही बोला गया है, हमारे लिए बेटा ये वर्ड यूज होगा एजिंग। ठीक है प्राची, हम एजिंग वर्ड यूज करेंगे क्योंकि हम सभी एनिमल किंगडम में आते हैं। ओके, तो कोरोना में क्या प्रॉब्लम है कि ये अधिकतर बोल रहे हैं ना कि जो ओल्ड एज पर्सन है, ओल्ड एज पर्सन घर से बाहर ना निकले। क्यों ना निकले भाई? तो ओल्ड एज पर्सन है उनकी जो लाइफ प्रोसेसेस हैं वो स्लो डाउन हो गई। जैसे इम्यूनिटी भी एक लाइफ प्रोसेस में आती है, तो उनका इम्यूनिटी कैसा हो गया? बहुत ज्यादा वीक हो गया। इम्यूनिटी वीक हो जाने के कारण उन्हें कोई दूसरी बीमारी इजिली हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी आपकी प्रोसेसेस हैं, जैसे कि उनका जो ब्लड प्रेशर है, ओल्ड एज में जाके ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, जैसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं। ठीक है, जो आरबीसी का प्रोडक्शन का रेट है वो कम हो जाना, किसमें? ओल्ड एज में जाके। तो जितनी भी लाइफ प्रोसेसेस हैं आपकी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। एक और बड़ा अच्छा सा मुझे एग्जांपल याद आया, अगर बुढ़ापे में कोई गिर जाता है, बूढ़ा इंसान कहीं से गिर जाता है ना, तो उससे ये कहा जाता है कि भाई देख के चलो, अगर तुम गिर गए ना तो तुम्हारी हड्डियां भी नहीं जुड़ेंगी बुढ़ापे में। तो हड्डियां ना जुड़ने का रीजन क्या है? यही है कि जो सेल डिवीजन है, सेल डिवीजन कैसा हो जाता है? काफी
स्लो रेट से होता है। जब सेल डिवीजन काफी स्लो रेट से होगा तो भैया बोन्स टूट गई तो कहां से जुड़ जानी है, समझ में आई इतनी बात। तो एजिंग वर्ड यूज होता है ह्यूमंस के लिए या एनिमल्स के लिए जिसमें लाइफ की सभी प्रोसेसेस स्लो डाउन हो जाती है, चाहे वो सेल डिवीजन हो या फिर रेस्पिरेशन हो या फिर वो प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स हो। ठीक है, आपको भी पता है गैमीट्स का प्रोडक्शन भी लास्ट टाइम पर, मींस आप कह सकते हैं एजिंग के टाइम पर फीमेल में 45 to 48 ईयर्स पर जाके क्या हो जाता है, गैमीट्स नहीं बनते, ओवा का फॉर्मेशन नहीं होता, मींस लाइफ प्रोसेस आपकी कैसी हो जाती है, काफी स्लो डाउन हो जाती है। नेक्स्ट आते हैं डेथ। डेथ तो आप समझते ही हैं क्या होता है। डेथ में अगर बिल्कुल डिफाइन करना है डेथ को तो इसमें स्टॉपेज ऑफ ऑल लाइफ प्रोसेसेस, स्टॉप हो जाती हैं सभी लाइफ प्रोसेस। अब लाइफ प्रोसेस में से रेस्पिरेशन है, अगर प्लांट की बात करें तो वो फोटोसिंथेसिस भी कर रहे हैं, मूवमेंट भी कर रहे हैं, ये सारी जो लाइफ प्रोसेसेस हैं वो कैसी हो जाती हैं, बिल्कुल ही स्टॉप हो जाती है, किसमें, एट द टाइम ऑफ डेथ। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, लाइफ स्पैन, अ टाइम पीरियड बिटवीन बर्थ टू डेथ, ये हुआ लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, फर्स्ट इज जुवेनिलिटी, सेकेंड इज मैच्योरिटी, थर्ड इज एजिंग और सेनेसेंस, एंड फोर्थ इज डेथ। ओके, नो बेटा माइग्रेशन एजिंग में नहीं होता, ठीक है, माइग्रेशन ही लिखा है ना, ना एस वाई किंग गेमर जो भी है बेटा, जो माइग्रेशन है, माइग्रेशन अभी मैं समझाऊंगी, पहले से समझा दूं, माइग्रेशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ एजिंग, इज नॉट अ पार्ट ऑफ एनी स्पेसिफिक लाइफ स्पैन। ठीक है, किसी भी स्पेसिफिक लाइफ स्पैन का पार्ट नहीं है माइग्रेशन। तो जुवेनिलिटी बर्थ से लेके सेक्शुअल मैच्योरिटी, मैच्योरिटी हैव अ कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस, एंड एजिंग स्लो डाउन ऑल लाइफ प्रोसेसेस, एंड डेथ, डेथ में जितनी भी लाइफ प्रोसेसेस हैं वो क्या हो जानी है, खत्म हो जानी है। ओके, चलिए स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, वैसे मैं आपको जो नोट्स हैं वो ग्रुप पर सेंड करूंगी, आपको बताया भी था, ग्रुप पर आपको नोट सेंड करूंगी बेटा, और अपने नोट्स प्रॉपर बनाइएगा, जैसे ही ऑफलाइन होंगे हम बिल्कुल सामने आपको पढ़ा देंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हटी जा रही हूँ, हो गया। ओके, तो अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। एनी प्रॉब्लम, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए, वरना यस यस लिख दीजिए अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, तो टाइप यस। ओ भाई देख 15 रहे हो, लाइक केवल 6 है, अरे बेटा इफ बेटा कोई ओके, नम्रता ओके, प्राची ओके, और कहाँ गए भाई, जग जाओ सो मत, 8 बज रहे हैं। यस कौशिक, यस दुर्गेश, यस अमन ओके, डेवल गेमिंग यस ओके, यस 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 यस, राखी राणा, चिराग यस ओके, सिविन यस, कुसुम लता ओके। चलिए रफ करते हैं इसे, तो लाइफ स्पैन आप समझ गए। अब देखिए, किसी ने मुझसे अभी एक क्वेश्चन पूछा था माइग्रेशन, माइग्रेशन में समझा देती हूं होता क्या है माइग्रेशन, वैसे आपको लास्ट यूनिट में पढ़ेंगे। माइग्रेशन का मतलब होता है कहीं पर एक्सट्रीम कंडीशन, ठीक है, किसी स्पेसिफिक जगह पर जब एक्सट्रीम हजार्डस कंडीशन हो जाती हैं तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उस जगह को छोड़कर किसी दूसरे जगह पर चला जाता है जहां पर जो भी फेवरेबल कंडीशन प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, जैसे साइबेरियन क्रेन वगैरह इंडिया में आ जाते हैं, क्योंकि वहां पर जहां पर वो साइबेरिया में रहते हैं वहां पर एक्सट्रीम क्या होती है, वहां पर एक्सट्रीम सर्दी या एक्सट्रीम कंडीशंस ऐसी होती है कि वो सर्वाइव ना कर पाए। इंडिया में उन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलती हैं और यहाँ पर वो कुछ टाइम के लिए सर्वाइव करते हैं, और जैसे ही जहां से वो साइबेरिया से आए थे वहां पर अगर उन्हें कंडीशन कैसी मिलने लगती हैं, फेवरेबल हो जाती है, तो वो इंडिया से लौटकर चले जाते हैं, इट्स कॉल्ड माइग्रेशन। ठीक है, माइग्रेशन ये होता है कि अनफेवरेबल कंडीशन में किसी ऑर्गेनिज्म का अपना नेटिव प्लेस को छोड़कर किसी दूसरी जगह पर सर्वाइव करते रहना। ओके, चलिए अब पढ़ते हैं बेटा अपना नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट यू मीन बाय रिप्रोडक्शन, ये तो हमने बताया ही नहीं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, व्हाट यू मीन बाय रिप्रोडक्शन।
रिप्रोडक्शन है क्या? रिप्रोडक्शन इज अ कैपिटल सिटी. उसे क्या कहते हैं जिसमें एनिमल सो जाते हैं? हाइबरनेशन बेटा, जिसमें एनिमल काफी टाइम के लिए सो जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? हाइबरनेशन. पोलर बियर हाइबरनेशन में चले जाते हैं. ओके चलिए आइए. तो रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन इज अ कैपेसिटी टू प्रोड्यूस देयर यंग वंस. अपने जैसे ही यंग वंस प्रोड्यूस करने की जो कैपेसिटी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं. ठीक है, रिप्रोडक्शन. री मीन्स दोबारा से और प्रोडक्शन का मतलब प्रोडक्ट बनाना. ठीक है, तो रिप्रोडक्शन का मीनिंग क्या है? अपने जैसा ही दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाने की जो कैपेसिटी है उसी को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन. अब यहां से जो 1 मार्क्स का एक बार सीबीएसई ने क्वेश्चन पूछा था, व्हाई रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी. पहले इधर समझिए फिर आपके क्वेश्चंस के आंसर भी हम दे देंगे. तो व्हाई रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी, रिप्रोडक्शन नेसेसरी क्यों होता है? ठीक, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया है. अब बच्चे तो पता नहीं क्या क्या आंसर लिख देते हैं, लेकिन वास्तव में बेटा इसका आंसर क्या है? टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज नेसेसरी फॉर रिप्रोडक्शन. जो लाइफ की कंटिन्यूटी है उसे अर्थ पर मेंटेन करने के लिए, लाइफ की जो कंटिन्यूटी है उसे अर्थ पर लगातार मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन कैसा होता है? नेसेसरी होता है, जरूरी होता है. ठीक है, जैसे मान लीजिए ह्यूमन है या डॉग है या कैट है, अगर उसने अपना लाइफ स्पैन कंप्लीट कर लिया, जैसे कि हम डॉग की बात कर रहे हैं 12 to 15 ईयर्स सर्वाइव करता है, और 15 ईयर्स उसने सर्वाइव किया और वो क्या हुआ? बिना रिप्रोडक्शन किए अगर मर गया. ठीक है, तो उसकी जो स्पीसीज है, जो डॉग है, वो अर्थ से कैसे होते जाएंगे? धीरे धीरे खत्म होते जाएंगे, आप समझ रहे होंगे. ठीक, तो रिप्रोडक्शन क्यों नेसेसरी है? रिप्रोडक्शन से जो कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ है, लाइफ की कंटिन्यूटी है, वो अर्थ पर कैसी रहती है? मेंटेन रहती है. कोई भी ऑर्गेनिज्म मरने से पहले, अपनी डेथ से पहले, अपने जैसा ही एक ऑर्गेनिज्म अर्थ पर छोड़ के जाता है. ठीक है, जिससे कि उसकी जो स्पीसीज है उसकी स्पीसीज की कंटिन्यूटी लाइफ पर मेंटेन बनी रहती है. ओके चलिए, तो जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन क्यों नेसेसरी है? रिप्रोडक्शन इज क्यों नेसेसरी है? बता दिया है, अर्थ पर लाइफ की कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए. ओके चलिए, अब रिप्रोडक्शन भी हो गया, रिप्रोडक्शन नेसेसरी क्यों है ये भी हो गया. अब पढ़ते हैं टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन. ओके, तो यहां पर ही हम बढ़ा देते हैं टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन के कितने टाइप होते हैं? तो देखिए, बेसिकली जो बेटा रिप्रोडक्शन है वो 2 टाइप का होता है. फर्स्ट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकेंड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, तो रिप्रोडक्शन कितने टाइप का है? रिप्रोडक्शन 2 टाइप का है. एक है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा कौन सा है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ये मैंने असेक्सुअल लिखा है और उधर मैंने कौन सा लिखा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिखा है. ठीक है, इनके भी टाइप है, वो बाद में पढ़ेंगे. पहले सेक्सुअल और असेक्सुअल में डिफरेंस क्या होता है इसे जरा समझ लेते हैं. ये भी अपने सिलेबस में है. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व. केवल एक पेरेंट्स है, वो ही इन्वॉल्व रहता है किसमें? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. तो मैं फर्स्ट पॉइंट लिख देती हूं यहां पर. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है? ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व. ओनली वन पेरेंट्स इज इन्वॉल्व. केवल एक पेरेंट्स ही इन्वॉल्व होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. ठीक है, जैसे कि आपका अमीबा है, एक अमीबा में से ही दूसरे अमीबा का फॉर्मेशन हो जाता है, उसमें मेल और फीमेल का कोई भी रोल नहीं होता. तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल एक पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें 2 इंडिविजुअल पेरेंट्स आर इन्वॉल्व. 2 इंडिविजुअल पेरेंट्स की जरूरत होती है किसमें? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में.
ठीक, तो फर्स्ट आपको समझ में आओगा कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें केवल वन पेरेंट्स, ओनली वन, ठीक है, बड़ा सा लिख दूं, ओनली वन पेरेंट्स इज इन्वॉल्व, इसमें टू पेरेंट्स की जरूरत होती है। और क्या डिफरेंस है? जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको पता है किसी भी टाइप के कोई गैमिट्स नहीं बनते, ना तो मेल गैमिट का फॉर्मेशन होता है और ना ही फीमेल गैमिट का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें हम लिख सकते हैं नो गैमिट्स आर फॉर्म्ड, किसी भी टाइप के किसी गैमिट का फॉर्मेशन नहीं होता, नो गैमिट्स आर फॉर्म्ड। अब नेक्स्ट लिखते हैं इसी में सेकेंड, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप जानते हैं गैमिट्स का फॉर्मेशन होता है, इसमें हम लिख सकते हैं मेल एंड फीमेल गैमिट्स आर फॉर्म, इसमें मेल एंड फीमेल गैमिट्स क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं, किसमें बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अभी आ रहे हैं आपसे क्वेश्चन पूछने, तो इसमें किसी भी टाइप के किसी गैमिट्स की जरूरत नहीं होती, बनते ही नहीं है, इसमें गैमिट्स बनते हैं मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट। चलिए आप सभी से मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, फटाफट से आंसर टाइप करिएगा बेटा। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ह्यूमन में मेल और फीमेल गैमिट बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ह्यूमन में बनने वाले मेल एंड फीमेल गैमिट को क्या कहते हैं, फटाफट से मेरे साथ पढ़ना है ना, तो फटाफट आंसर भी देने पड़ेंगे, सो मत जाना, जल्दी से टाइप करो बेटा सभी 15। नो प्राची गलत हो गया बेटा, ओके चिराग बिल्कुल सही, स्पर्म एंड ओवा, एस वाई किंग गेमर स्पर्म ओवा, ओके स्पर्म ओवा, और कहां गए सभी, जल्दी 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 स्पीड से टाइप करो भाई, आंसर नहीं आए सभी के, ओवा क्या हुआ, चलिए वैसे आंसर चिराग का भी सही है, डेवल गेमिंग इनका भी सही है, स्पर्म एंड ओवा, कौशिक का भी सही है, प्रशांत चौहान का भी सही है, गुड। ठीक फटाफट जैसे आ गए हैं आंसर टाइप, दुर्गेश, ओके दुर्गेश का भी बिल्कुल सही आंसर है। तो मेल एंड फीमेल गैमिट्स इन ह्यूमन इज कॉल्ड ओवा एंड स्पर्म, और अगर मेल एंड फीमेल गैमिट्स इन प्लांट में तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं बेटा जी, प्लांट्स में मेल और फीमेल गैमिट को क्या कहते हैं, चलो प्लांट्स की बात कर रहे हैं, प्लांट्स में फटाफट से राखी राना बिल्कुल सही है बेटा आंसर, बताइएगा प्लांट्स में मेल और फीमेल गैमिट्स को क्या कहते हैं, इन प्लांट्स मेल एंड फीमेल गैमिट को क्या कहते हैं, यस नो मैं बताऊं, पिस्टल, ओहो स्टिग्मा एंड एंथर, ओ मैं बताती हूं बेटा, मैं गैमिट की बात कर रही हूँ, सेक्सुअल ऑर्गन की बात नहीं कर रही, नो ओके वैष्णवी इज राइट, पोलन ग्रेन्स, प्रशांत चौहान मैं बता रही हूँ बिल्कुल, पिस्टल एंड स्टिग्मा, देखिए भाई मेल ह्यूमन का तो आपको पता है, देख लीजिए जो ह्यूमन है, ह्यूमन में मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट, मेल गैमिट को बोलते हैं स्पर्म और फीमेल गैमिट को जुकाम हो गया, मेल गैमिट को बोलते हैं स्पर्म और फीमेल गैमिट को क्या बोलते हैं बेटा, ओवा, ओके हाँ। और जो प्लांट की बात करें, बिल्कुल देखिएगा आप लोग आंसर सही नहीं दे रहे थे, प्लांट्स में जो मेल गैमिट है, गैमिट की बात कर रही हूं, मेल गैमिट, प्लांट्स में मेल गैमिट को बोलते हैं बेटा पोलन ग्रीन, ठीक है पोलन ग्रीन, मेल गैमिट को रिप्रेजेंट कौन करता है, पोलन ग्रीन, और फीमेल गैमिट को रिप्रेजेंट करता है फीमेल गैमिट को रिप्रेजेंट करता है ओव्यूल, या फिर इसे आप एग भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप एग बोलें तो, ठीक बात समझ में आई। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर ह्यूमन में हो रहा है
तो उसमें मेल गैमेट को स्पर्म एंड फीमेल गैमेट को ओवा, अगर प्लांट्स में हो रहा है तो मेल गैमेट को पोलन ग्रेन्स एंड फीमेल गैमेट को ओव्यूल, या फिर हम क्या बोलते हैं, एग बोलते हैं। ओके अरे भाई कोरोना मत कर दुर्गेश मुझे, ठीक आइए बस। हाँ इट्स डन, मैं इसे रफ कर रही हूं, आप समझ गए होंगे। प्लांट्स में पोलन ग्रेन्स इज अ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट इज ओवा और एग, डन। ओके अब नेक्स्ट हम डिफरेंस पढ़ रहे थे इसी में, तो थर्ड डिफरेंस क्या है बेटा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नो मियोसिस, नो मियोसिस टेक्स प्लेस, मियोसिस नहीं होता। मियोसिस समझते हैं ना, मियोसिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का एक स्पेशल टाइप है, क्लास 11th बहुत अच्छे से पढ़ाया था मैंने। मियोसिस एक सेल डिवीजन का टाइप है जिसमें क्या होता है, रिडक्शन डिवीजन होता है, इससे गैमीट का फॉर्मेशन होता है। मियोसिस इज अ टाइप ऑफ डिवीजन बाय विच गैमीट्स आर फॉर्म। जब इसमें गैमेट ही नहीं बनते तो मियोसिस क्या करेगा, होके बात समझ रहे हो ना, तो इसमें इसलिए मियोसिस भी नहीं होता। और इधर बात करें इसमें गैमेट बन रहे हैं, यानी कि क्या होगा, मियोसिस, मियोसिस डिवीजन, मियोसिस डिवीजन इज रेस्पॉन्सिबल, रेस्पॉन्सिबल फॉर गैमीट फॉर्मेशन, फॉर गैमीट फॉर्मेशन, गैमीट फॉर्मेशन के लिए मियोसिस जो डिवीजन है वो कैसा है, बिल्कुल रेस्पॉन्सिबल होता है। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और क्या है, ना वन पेरेंट्स इन्वॉल्व है, गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होता, मियोसिस ठीक चलिए मियोसिस भी नहीं होता इसमें, और क्या है, न्यू ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म इज आइडेंटिकल, आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स, आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट मीन्स आप समझिएगा कि जो बिल्कुल न्यू ऑर्गेनिज्म इज आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। न्यू ऑर्गेनिज्म आइडेंटिकल होता है अपने पेरेंट्स के, पेरेंट्स के आइडेंटिकल का मतलब है जो न्यू ऑर्गेनिज्म बना है वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स जैसा, जस्ट आप फोटोकॉपी ऑफ पेरेंट्स, समझ रहे हैं ना, जो भी करेक्टरिस्टिक पेरेंट्स के हैं वो सारे किसके होंगे, न्यू ऑर्गेनिज्म के होंगे। आइडेंटिकल का मतलब आप समझिएगा एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स, अपनी पेरेंट्स की क्या होता है वो एग्जैक्ट कॉपी होता है, कौन, न्यू ऑर्गेनिज्म, फोटोकॉपी भी बोल सकते हैं, क्योंकि भाई एक ही पेरेंट्स से बन रहा है तो एक पेरेंट्स के जो करेक्टरिस्टिक है वही करेक्टरिस्टिक किसके, किसमें आ जाएंगे, न्यू ऑर्गेनिज्म में आ जाएंगे। ओके तो ये अपने पेरेंट्स की क्या होता है, जस्ट फोटोकॉपी होता है जो न्यू ऑर्गेनिज्म बन रहा है बाय द मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन, वेरिएशन कैन बी सीन इन न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू ऑर्गेनिज्म में आप वेरिएशन देख सकते हैं। वेरिएशन का मतलब इसमें कुछ डिफरेंस हो सकते हैं अपने पेरेंट्स से, ठीक है, मैंने बताया भी था इसमें दो इंडिविजुअल इन्वॉल्व हो रहे हैं, मीन्स आधे करेक्टर मेल से आ रहे हैं और आधे करेक्टर फीमेल से आ रहे हैं, ना तो वो बिल्कुल अपनी मदर जैसा होगा और ना ही वो बिल्कुल अपने फादर जैसा होगा, कुछ वेरिएशन आएंगे, मीन्स कुछ करेक्टर्स मदर्स के और कुछ मदर के और कुछ करेक्टर्स किसके, फादर के होने के कारण उसमें क्या आ जाएंगे, वेरिएशन आ जाएंगे, कुछ चेंजमेंट आ जाएंगे। ओके तो ये क्या होता है, जस्ट आइडेंटिकल होता है अपने पेरेंट्स का, और ये कैसा होता है, इसमें वेरिएशन प्रेजेंट होता है। एंड और क्या है इसमें, फिफ्थ समझिएगा, इट नॉट टेक पार्ट्स, इट नॉट टेक पार्ट इन इवोल्यूशन, इवोल्यूशन, इट नॉट टेक पार्ट्स इन इवोल्यूशन, ठीक है, ये इवोल्यूशन में कोई ज्यादा पार्टिसिपेशन शो नहीं करता। इवोल्यूशन का मीनिंग क्या होता है, इवोल्यूशन का मीनिंग होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, ठीक है, न्यू स्पीसीज कहां से बनेगी, जब सेम करेक्टर जो पेरेंट्स में है वही करेक्टर्स किस में आ रहे हैं,
उसके बेबी में आ रहे हैं, अब बेबी का भी बेबी हुआ तो वही कैरेक्टरिस्टिक किसमें आ जाएंगे, उसके बेबी में आ जाएंगे। तो कोई भी नया कैरेक्टरिस्टिक ना आने के कारण इसमें इवोल्यूशन के चांसेस ना के बराबर होते हैं। इवोल्यूशन का मीनिंग है न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन। क्लास टेंथ में आप बहुत अच्छे से पढ़े होंगे इवोल्यूशन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्पीसीज। न्यू स्पीसीज का क्या हो जाना, फॉर्मेशन होना। तो इसमें न्यू स्पीसीज के फॉर्मेशन के जो चांसेस हैं बहुत ही ज्यादा लेस होते हैं, बहुत ही ज्यादा कम होते हैं। और इसमें आपका फिफ्थ है इट टेक पॉजिटिव पार्ट इन इवोल्यूशन। ये इवोल्यूशन में एक पॉजिटिव पार्ट, पॉजिटिव पार्ट क्या करता है, प्ले करता है। ठीक है, एक पॉजिटिव रोल प्ले करता है कौन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे आपने सुना है कि हमारे एंसेस्टर्स कौन थे, मंकी थे। ठीक है, अब मंकी से थोड़ा बहुत चेंजमेंट हुआ, वो गोरिल्ला बने। ठीक है, फिर उनमें थोड़ा बहुत चेंजमेंट हुआ, आपके नंबर ऑफ जैसे कि रामा पिथिकस है, फिर उसके बाद जो आपके थे ओरेंगुटेंग गोरिल्ला वगैरह वगैरह। ठीक है, और फाइनली कौन बना, ह्यूमन का फॉर्मेशन हुआ। तो ये एक टाइप का ग्रेजुअल चेंजमेंट हुआ। ठीक, कि हमारे एंसेस्टर्स बिल्कुल मंकी जैसे थे, कैसे मंकी की तरह लगते थे, और हम कितने सही सलामत से बन गए ह्यूमन। तो इनमें इवोल्यूशन हुआ, न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन होता गया। ठीक, तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन हो सकता है, जबकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में न्यू स्पीसीज के फॉर्मेशन के जो चांसेस हैं बहुत ही ज्यादा कैसे होते, कम होते। चलिए फाइनली लास्ट बताती हूँ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बेटा, बेसिकली लोअर ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि आपके कुछ बैक्टीरियाज हैं, कुछ फंगस हैं, उनमें देखने को मिल जाएगा कौन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये आपके हायर ऑर्गेनिज्म लाइक हायर प्लांट्स और हायर एनिमल्स, इनमें देखने को मिल जाता है कौन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, समझ गए होंगे आप। तो ये था सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस। अगर एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट यू मीन बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इधर का नहीं लिखना है, ये पूरा आपको लिख देना है अपनी कॉपी में। अगर पूछा जाता है व्हाट यू मीन बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इधर का लिख देना है विद एग्जांपल कि ये होता किसमें, हायर ऑर्गेनिज्म में होता है। अगर डिफरेंस पूछा जाता है फिर तो अपनी टेबल बनी हुई है, बिल्कुल छाप देनी है। ठीक, तो ये सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है आपका, डिफरेंस है। ओके, आई थिंक आप सभी समझ गए होंगे कि सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस होता है। अभी मैं सुनूंगी भी, ध्यान रखना, आप आंसर लिखेंगे, टाइप करेंगे, अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। ओके, डन है, रफ करूं, नेक्स्ट टॉपिक पर आऊं, यस लिख दीजिए, मैं रफ कर दूं इसे, टाइप यस इफ यू हैव नो प्रॉब्लम और एनी डाउट। बेटा कोई डाउट नहीं है तो यस लिख दीजिए। ओके, डन, नम्रता, यस यस, वैष्णवी, ओके। तो आपने आज पढ़ लिया रिप्रोडक्शन, सबसे पहले लाइफ स्पैन के कितने पार्ट्स होते हैं। ओके, यस, सबकी समझ में आ गया, गुड, वेरी गुड। कुसुमलता, सिवन, कौशिक, राखी राणा, चिराग, यस यस, ओके बेटा। दुर्गेश कहाँ गया, वेयर इज दुर्गेश, ओ आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले हमने लाइफ स्पैन पढ़ा, ओके शिल्पी, तो हमने बेटा सबसे पहले लाइफ स्पैन पढ़ा, उसके बाद लाइफ स्पैन के पार्ट्स पढ़े, कुछ लाइफ स्पैन भी पढ़े पैरट, लोरिया, ट्राइडेंट, पेटा वगैरह का, उसके बाद रिप्रोडक्शन, व्हाई रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी, रिप्रोडक्शन नेसेसरी क्यों है, ये भी हमने पढ़ा। देन आफ्टर हमने क्या पढ़ा, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ये सारा मैंने बता दिया। अब पढ़ते हैं थोड़ा और डिटेल में, ओके अमन, अब है आपका और डिटेल में टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने टाइप होते हैं। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने टाइप हैं ये हम पढ़ते हैं। तो बेसिकली आप
काफी सारा पढ़ चुके हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में है केवल हम वही पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे। ओके, तो फर्स्ट है फिजन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्स्ट है कौन सा? फिजन। फिजन। सेकंड है बडिंग। थर्ड है रीजेनरेशन। रीजेनरेशन। एंड फोर्थ है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन। एंड फिफ्थ है फ्रेगमेंटेशन नहीं है। अगर आप में से कोई फ्रेगमेंटेशन सोच रहा हो तो वो टेंथ क्लास के सिलेबस में है, ट्वेल्थ में नहीं है बेटा ये अपना फ्रेगमेंटेशन। इसके बाद है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब इनके भी सब पार्ट है, जैसे कि फिजन है, फिजन आप जानते हैं दो टाइप का है। फर्स्ट है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन। एंड सेकंड इज मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन। दिखाई दे रहा ना ये वाला? हाँ ठीक है, मल्टीपल फिजन। अब बेटा बाइनरी फिजन है ये, तो ये भी आप कहोगे हमने टेंथ में पढ़ा, लेकिन बाइनरी फिजन के भी इधर पार्ट्स हो जाते हैं। जो बाइनरी फिजन है वो आपका थ्री टाइप का है। फर्स्ट है आपका इरेगुलर, इरेगुलर बाइनरी फिजन। इरेगुलर बी का मतलब है बी फिजन लिख दिया है, बाइनरी फिजन। ओके, इरेगुलर बाइनरी फिजन। दूसरा है ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। एंड थर्ड है लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। लास्ट तक दिखाई दिया ना? यहां तक ठीक है। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्स्ट इज फिजन, सेकंड इज बडिंग, थर्ड इज रीजनरेशन, फोर्थ इज स्पोर फॉर्मेशन, एंड फिफ्थ इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। यही अपने ट्वेल्थ क्लास के सिलेबस में है बेटा। फिजन दो टाइप का है, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। जो बाइनरी फिजन है ये फिर से डिवाइड हुआ है थ्री टाइप में, इरेगुलर बाइनरी फिजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन एंड लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। ठीक है, इनके क्या एग्जाम्पल है, कैसे होता है, सारा हम पढ़ेंगे। बडिंग इसका कोई भी सब पार्ट नहीं है। रीजनरेशन इसका कोई सब पार्ट नहीं है। स्पोर फॉर्मेशन इसको फिर से बेटा डिवाइड किया हुआ है स्पोर फॉर्मेशन को। स्पोर फॉर्मेशन है ये है सबसे पहला। इसमें स्पोर किस टाइप से बनते हैं? जू स्पोर। जू स्पोर। जू स्पोर। दूसरा है एप्लाइनो स्पोर। थर्ड है क्लेमाइडो स्पोर। क्लेमाइडो स्पोर। नेक्स्ट है उडिया। उडिया। एंड नेक्स्ट है आपका कॉनिडिया। कॉनिडिया। ओके, और ये वाला इंपॉर्टेंट भी है, सबसे ज्यादा अगर पूछा जाएगा तो आपको स्पोर फॉर्मेशन में इनकी डेफिनेशन और इनके एग्जाम्पल पूछे जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट इज जू स्पोर, सेकेंड इज एप्लाइनो स्पोर, नेक्स्ट इज क्लेमाइडो स्पोर एंड उडिया एंड कॉनिडिया। एप्लाइनो स्पोर, स्पोरेंजियो स्पोर्स भी हो सकता है। ठीक, कौन सा? स्पोरेंजियो। स्पोरेंजियो स्पोर। स्पोरेंजियो स्पोर बिल्कुल आपको याद रखने हैं, जू स्पोर, हेप्लाइनो स्पोर या स्पोरेंजियो स्पोर, क्लेमाइडो स्पोर, उडिया एंड कॉनिडिया। बहुत सारे वर्ड तो आप पहली बार सुन रहे होंगे, क्या हो गया उडिया पुडिया। ओके चलिए, तो ये आपका फाइव टाइप का हो गया। अब नेक्स्ट है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है इसे मैं केवल यहाँ पर दो टाइप में डिवाइड कर रही हूँ, क्योंकि ये अपने आप में काफी ब्रॉड आप कह सकते हैं एक टॉपिक है। फर्स्ट है नेचुरल, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, और दूसरा है आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन।
ठीक है, नेक्स्ट टाइम पर इसे पूरा चार्ट बना के पढ़ेंगे कि नेचुरल के भी डिफरेंट टाइप हैं और आर्टिफिशियल के भी डिफरेंट टाइप हैं। तो आई थिंक आपकी समझ में आ गया होगा। जो स्पेशली आपको पढ़ना है स्पोर फॉर्मेशन के ये जो स्पोर्ट्स के टाइप्स है, ये स्पेशली आपको काफी अच्छे से ध्यान से पढ़ना है क्योंकि आपके लिए नए हैं और एग्जाम में भी मोस्ट ऑफ डेटा यही पूछे जाते हैं। ओके, तो फिजन, बडिंग, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। स्पोर फॉर्मेशन जू स्पोर, एप्लाइनोस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर, क्लेमाइडोस्पोर, ओडिया एंड कॉनिडिया। ओके, स्क्रीनशॉट लीजिए, रफ करूं मैं से। ओके, चलिए आप पढ़ते हैं फिजन कि फिजन होता क्या है। फिजन, अच्छा टाइम होने वाला है, कोई बात नहीं। फर्स्ट है फिजन। फिजन का मतलब होता है टू ब्रेक डाउन या स्प्लिट ऑफ। क्या होता है? टू ब्रेक डाउन, टू ब्रेक डाउन और स्प्लिट ऑफ। स्प्लिट ऑफ मीन्स किसी भी सेल का टूट जाना और टूट कर क्या हो जाना, अपने छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म में, अपने उसके छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाना। तो यहाँ पर फिजन, फिजन का मीनिंग क्या था? टू ब्रेक डाउन, टू ब्रेक डाउन मीन्स क्या हो जाना, उसका टूट जाना। अब जो फिजन है, फिजन कितने टाइप का था? दो टाइप का था। फर्स्ट था आपका बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन। बाइनरी, बाई का मतलब क्या होता है? टू। बाई का मीनिंग क्या है? टू, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म कितने में, टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है? बाइनरी फिजन। ठीक है, अगर सिंगल ऑर्गेनिज्म टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है तो वो क्या कहलाता है? बाइनरी फिजन। दूसरा था मल्टीपल फिजन। कौन सा था? मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन, मल्टीपल का मतलब नंबर ऑफ दो या दो से अधिक। दो मींस बाइनरी का मतलब दो और मल्टीपल का मतलब दो से अधिक ऑर्गेनिज्म में उसका क्या हो जाना? ब्रेक हो जाना। क्या कहलाता है? मल्टीपल फिजन। ठीक है, ये भी टेंथ में पढ़े थे। बाइनरी फिजन का मतलब किसी एक ऑर्गेनिज्म का टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाना, बाइनरी फिजन, और किसी एक ऑर्गेनिज्म का दो से अधिक पार्ट में डिवाइड हो जाना क्या कहलाता है आपका? मल्टीपल फिजन। जो बाइनरी फिजन है इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे अमीबा है, पैरामीसियम है एंड यूग्लीना है। कौन सा है? अमीबा, अमीबा। दूसरा है पैरामीसियम और थर्ड है यूग्लीना, यूग्लीना। मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन का जो एग्जाम्पल है एक तो है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम। ठीक, दूसरा क्या है आप बताएंगे? चलिए बताइए, मल्टीपल फिजन का बेटा सेकंड एग्जाम्पल क्या है? व्हाट इज द अदर एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल फिजन? जल्दी से टाइप करो भाई, सोच रहे हो? ये अमीबा में भी होता है। अब आप कहोगे अमीबा में बाइनरी है, तो बेटा अमीबा में बाइनरी फिजन भी होता है, अमीबा में मल्टीपल फिजन भी होता है। जब अमीबा मल्टीपल फिजन करता है तो उसमें स्पेशल टाइप की एक वॉल का फॉर्मेशन होता है, स्पेशल टाइप की वॉल का फॉर्मेशन होता है, उसे हम बोलते हैं बाय सिस्ट, सिस्ट वॉल या फिर सिस्ट फॉर्मेशन, CYST, सिस्ट फॉर्मेशन। ये मैं डिटेल में कल आपको पढ़ाऊंगी, काफी इंपॉर्टेंट है कि अमीबा में मल्टीपल फिजन कैसे होता है। अमीबा में मल्टीपल फिजन होता है बाय सिस्ट फॉर्मेशन। ओके, अमीबा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि बाइनरी फिजन भी कर सकता है एज वेल एज वो मल्टीपल फिजन भी कर सकता है। बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं, उनसे कह दो अमीबा मल्टीपल फिजन करता है तो सोचते नहीं केवल बाइनरी से काम चलेगा, लेकिन कुछ कंडीशन अनफेवरेबल ऐसी भी हो जाती है जैसे हाई टेम्परेचर वगैरह पर अमीबा सिस्ट फॉर्मेशन के साथ मल्टीपल फिजन भी क्या कर सकता है बेटा? शो कर सकता है। ओके, चलिए, चलो आई थिंक आज आपको सभी को समझ में आ गया होगा। मैं इसे बाइनरी फिजन के पार्ट्स और मल्टीपल फिजन कैसे करते हैं इसे मैं कल कंटिन्यू करती हूँ।
और समझ में आ गया, फटाफट से एक बार यस लिखिए। मैं दो क्वेश्चन पूछूंगी आपसे, उनके आंसर भी आपको देने हैं। फटाफट से यस टाइप करिए। ओके, दुर्गेश यस, वैष्णवी यस, चिराग यस। ये एस वाई किंग गेमर कौन है, नाम क्या ये गेमर भाई साहब का? नम्रता, ओके, ऑल क्लियर, ओके ओके, डेवल गेमिंग, ओके, शिल्पी कुमारी कौशिक यस, ओके बेटा, ओके, प्रशांत चौहान, ओके बेटा। हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी हैं आप सभी लोग? फर्स्ट क्वेश्चन हम पूछते हैं, चीटिंग मत करना, सच्ची में वहीं पर आके ना मार कुटाई कर दूंगी मैं। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ पैरट, पैरट का लाइफ स्पैन क्या है? क्वेश्चन सुना, व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ पैरट, व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ पैरट? चीटिंग नहीं करने की हो रही है दुर्गेश का फर्स्ट आंसर, ओके 140। चिराग का भी आंसर बिल्कुल सही है, वैष्णवी, नम्रता, एस के गेमर, कुसुमलता बिल्कुल सही सही सही, शिविन कुमार, ओके, प्रशांत चौहान 140 ईयर्स, वेरी गुड। ठीक है, फर्स्ट आंसर था किसका लेकिन? दुर्गेश का। ठीक है, थोड़ा जल्दी से स्पीड से, शिल्पी कुमारी स्पीड से टाइप किया करो। हाँ भाई, अब मैं सेकेंड क्वेश्चन पूछ रही हूँ आपसे बेटा। सेकेंड क्वेश्चन है, ऐसा ऑर्गेनिज्म कौन है जिसकी एज अभी तक 11,300 ईयर्स हो चुकी है? प्राची का भी आंसर आ गया। ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसकी एज 11,300 ईयर्स हो चुकी है? बेटा चीटिंग नहीं करनी है, मुझे पता है तुम स्पेलिंग चीटिंग करके लिख रहे हो। शिल्पी, लोरिया ट्राइडेंटेटा, वेरी गुड, बिल्कुल सही है शिल्पी का आंसर सबसे फर्स्ट। चीटिंग करने वाले चीटिंग मत करो, स्क्रीनशॉट निकाल रहे होंगे आप। प्लांट, सेवन प्लांट का ही तो नाम पूछा है एस के वाई गेमर, लोरिया ट्राई, ओके, लोरिया ट्राइडेंटेटा कुसुमलता, लोरिया 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 लोरिया, ओके, दुर्गेश सिंह, लोरिया ट्राइडेंटेटा, वेरी गुड, नम्रता, वेरी गुड। ठीक, तो ऐसे ही पढ़ते रहना है, मैं नोट सेंड कर दूंगी। गेमर्स भाई साहब कौन है ये? एस वाई किंग गेमर, इनका भी आंसर सही है। चिराग, बिल्कुल सही आंसर बेटा, लोरिया ट्राइडेंटेटा। तो आंसर आ रहा है, ओके, लोरिया ट्राइडेंटेटा बिल्कुल सही है सभी का। तो अब हम मिलेंगे कल आपसे, ठीक है? और टाइमिंग अपने वैसे तो सेम रहेगा, अगर आधे घंटे ऊपर नीचे करना हुआ, हो सकता है कल इवनिंग में हो अपना बायोलॉजी का, तो मैं मैसेज आपको सेंड कर दूंगी ग्रुप पर, आप सभी ग्रुप पर तो हैं, ठीक है बेटा? चलिए, और कोई किसी ने कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए, 2 मिनट्स में कोई प्रॉब्लम है टाइप कर दीजिए, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम। हाँ, पढ़ाई से ही रिलेटेड होगी भाई, अब ये मत पूछना कि कोरोना कब खत्म हो रहा है। मैम ओके, नहीं है कोई प्रॉब्लम? नो मैम, ओके 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 ओके, ठीक है, चलिए चलते हैं बेटा फिर, गुड बाय, बाय बाय, पढ़ के आइएगा कल। नोट सेंड कर दूंगी बेटा अभी, जस्ट आपकी स्ट्रीमिंग खत्म करने के बाद। ओके ओके बेटा दुर्गेश, चलो भाई बाय बाय, बाय तो करो, ये भी सिखाते हैं छोटे बच्चों को, सिखाते हैं ना बाय। ओके बाय बाय बेटा कुसुम, ओके बेटा कुसुम, ओके बाय बाय।